सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। यूपी में सपा पार्टी के अंदर फिर से एक बार खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपने एकदम सही सुना है, क्योंकि यहां मंगलवार को एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर के बाद से अब यूपी के सियासत में फिर से एक बार भूचाल आ गया है। क्योंकि इससे पहले सभी को पता था कि एक ट्वीट से ही यहाँ पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की तकरार की खबरें सामने आ रही थी और लगातार कहा जा रहा था कि दोनों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और जल्द ही शिवपाल सिंह यादव जो है वो सपा पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन मंगलवार को अखिलेश यादव ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें वो चाचा शिवपाल यादव के साथ साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और जब से ये तस्वीरें सामने आई है तब से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच शायद रिश्ते ठीक हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर जिस तरह से दोनों आपस में बैठे हैं और इस मुलाकात में दोनों के बीच बातचीत हुई है तो कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से चाचा और भतीजे के बीच जो करवाहट थी उससे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहां समझने की ये जरूरत है कि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोला हुआ था अखिलेश यादव के खिलाफ और उनका कहना था कि वो पार्टी को छोड़ सकते हैं और यहां पर कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस तस्वीरों के बाद कहीं ना कहीं यूपी में राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। और अब आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव फिर से एक बार सपा पार्टी का साथ निभाते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर अखिलेश यादव अपनी राजनीति खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके और शिवपाल सिंह यादव के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं सुधर गए हैं। और अब ऐसा होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से शिवपाल सिंह के यादव के साथ सब कुछ ठीक हो गया है, क्या आजम खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि आजम खान के साथ जो है वहां पर भी सपा पार्टी के कुछ टकराव देखने को मिल रहे हैं और अखिलेश यादव क्या उन्हें भी मनाने में कामयाब होंगे। फिलहाल अभी तो ये तस्वीरें सामने आई है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि अखिलेश यादव सपा पार्टी के अंदर ही रहेंगे या फिर इस मुलाकात के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।